अस्सलाम वालेकुम क्लास, केमिस्ट्री क्लास 10th, लेक्चर नंबर 11 है जी मेरे पास। चैप्टर 1 की बात करते हैं, उसमें है जी लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इट्स डेरिवेशन। फर्स्ट ऑल जी हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है वो आप लोग देखें। हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। वो कह रहा है कि कोई रेट, रेट का मतलब है जी स्पीड। वो कहता है कि वो स्पीड जिसके साथ कोई सब्सटेंस रिएक्ट करती है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, उसके एक्टिव मैस पर। एक्टिव मैस के हमारे पास कंसंट्रेशन है, मिकदार है उस चीज़ की, यानी जितनी उस चीज़ की मिकदार या कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसके रिएक्ट करने की स्पीड भी क्या होगी हमारे पास, ज़्यादा होगी। दूसरा इसका पार्ट है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। इन जो टोटल रिएक्शन का स्पीड होगी वो दो जो रिएक्टेंट्स आप लेंगे, जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे वो उन दोनों, वो उनका टोटल जो प्रोडक्ट होगा उनकी कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। यानी अगर उन टोटल रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है उनके रिएक्ट करने की स्पीड भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर उनकी कंसंट्रेशन कम है तो उनके रिएक्ट करने की, तो रिएक्शन की टोटल की स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। बाकी आगे हम इसकी जो डेरिवेशन देखें, हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है जिसको हमने सपोज किया हुआ ए प्लस बी, जो हमें देता है जी सी प्लस डी, और सी प्लस डी दोबारा डीकम्पोज होकर हमारे पास ए प्लस बी बना दे, इसलिए हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा, जब ए और बी आपस में रिएक्ट करके हमारे पास सी और डी बनाएंगे। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो ए और बी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनैलिटी टू ए इंटू बी। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे, एक तो हम इक्वल के साइन लगाएंगे, दूसरा हम कॉन्स्टेंट लगाएंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो हमारे पास कॉन्स्टेंट यूज होता है वो है जी के एफ, ए इंटू बी। और हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है, उसमें रिवर्स रिएक्शन के लिए हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन से हैं जी, सी और डी। तो इसलिए हमारे पास रिवर्स रिएक्शन सी और डी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके लिए हम एक और कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसको हम के आर कहते हैं, के आर इंटू सी इंटू डी। इसके बाद जी हमारे पास देखें कि इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, जो हम दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट एक साइड पे और वेरिएबल को क्या करेंगे जी, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो के एफ ओवर के आर इंटू सी इंटू डी ओवर ए इंटू बी। के एफ और के आर, के एफ तो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कांस्टेंट था और के आर रिवर्स डायरेक्शन के लिए, लेकिन हम इक्विलिब्रियम के लिए एक और कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसको हम के सी कहते हैं। तो के सी इज इक्वल टू सी इंटू डी ओवर ए इंटू बी। ये थी हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।